Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. देखते हैं बशारत भाई कैसे इन पे काबू करते हैं। फैल भाई हम सब नीचे जाते हैं और बशारत भाई और यूबी को छोड़ देते हैं। सॉरी यार, एक बंदा किधर चला गया यार, मैंने उसकी बशारत भाई से बात करानी थी यार। अच्छा, कौन था? मोमिन था सर। यूबी यूबी यार, मुझे बशारत भाई की बात करनी थी यूबी से। यूबी वापस आया ऊपर, मुसल्लत कर दे लेगा था बशारत भाई के ऊपर। यार बशारत भाई ने अभी तक तेरे से बंदे से बात नहीं की है। मैं बशारत भाई की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, तू वापस आ। पीछे आया हुआ था मैं एक्सचेंज। अरे भाई बशारत भाई भी 10 घंटे से भाई, क्यों उसके ऊपर इतना जुल्म करना चाह रहे हो सर? तभी तो करना था इनके साथ जुल्म। और यूबी की बात सिर्फ बशारत भाई करेंगे, हम सब यहाँ से बैकस्टेज हो जाएंगे। बशारत भाई और यूबी ये दोनों बात करेंगे। बशारत भाई अगर आप आधा घंटा यूबी से बात करते हुए अपने जज्बात को काबू में रख गए तो बशारत भाई मैं आपको, वो क्या होता है यार इंडिया में क्या होता है, डंडा वर्ता प्रणाम करूंगा, यानी कि लेट के आपको सल्यूट करूंगा। मैडम अपने बशारत भाई के ऊपर जो है वो जो 5-6 जिन है उसमें से एक तो यूबी है, आ गया वो, और दूसरा अपना ओबेदुर भी है। ये 4-5 को इनके ऊपर जो है ना मुसल्लत करना है और देखना है कि जिन कैसा उतारते हैं अपना। देखते हैं बशारत भाई कैसे इन पे काबू करते हैं। साहब भाई हम सब नीचे जाते हैं और बशारत भाई और यूबी को छोड़ देते हैं। छोड़ दे साहब भाई, बता आज मुझे सोने नहीं मिलने वाला भाई। कोई कौन से ये कौन से कार्टून को पकड़ के लाए मेरे भाई? कहां से लाए? कौन से पाकिस्तान से लाए? क्या इस्लाम क्यों छोड़ा? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गए क्या भाई? ये सारी दुनिया के लिए ये मसला बना हुआ है, एक मेरे पर्सनल अच्छा। से क्या होता? अच्छा अल्लाह ताला जना सूरह फातिहा में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस सारे आलमीन को कैसा पाल रहा है और इसके लिए वर्स कौन सी है कुरान की? सूरह फातिहा में अबे अल्लाह पाल रहे, अल्लाह कैसे पाल सकता है भाई? अल्लाह तो अच्छा, ठीक है तुमने इस्लाम छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन वो वर्स की मीनिंग बताओ मेरे को भाई। देखना आपने बोला कि अल्लाह पाल रहा है ना सारी दुनिया को, यही बोला ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। पालने का जो आपने तो जना पढ़ा था ना, इतने दिन इस्लाम मुस्लिम थे ना, तो अल्लाह ताला कैसे कैसे पाल रहा था? अल्लाह नहीं पाल रहा ना, अल्लाह तो खुद मांग के खाता है यार। सिराते मुस्तकीम के माने क्या है? सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता। कहाँ जाता है सीधा रास्ता? किसको कहते हैं सीधा रास्ता? सीधा रास्ता जाता है खुदा के पास। अरे खुदा के पास जाता है लेकिन क्या है वो रास्ता भाई? सीधा रास्ता। अरे यार तुमको इस्लाम नहीं पता, तुम इस्लाम छोड़ दिए, तुम मुर्जिया थे, तुम जहमिया थे, ये बोलो इस्लाम का तो तुमको अलिफ तक भी नहीं मालूम है तुमको। इस्लाम में अलिफ होता है? अलिफ से अल्लाह, अलिफ से इस्लाम, अलिफ से अल्लाह अकबर, शीन से तुम्हारा शिकवा, अल्लाह से शिकवा, तुम रब्बुल आलमीन से शिकवा करते हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक इंसान हो, ये जरा बराबर जमीन पर तुम कीड़े की तरह रेंग रहे हो ये रब्बुल आलमीन के मुकाबले में, और बातें बड़ी बड़ी झाड़ रहे हो। वह जरा बलाना मसलम वनसिया खल्क़ खाल मैं यखिल इज़ाम व यरमीन। तुमने कुरान पढ़ा है कभी? नहीं। अरे सिराते मुस्तकीम की मीनिंग क्या है और नेमत के मानिंग क्या है? नेमत किसे कहते हैं? इस्लाम को समझ कर छोड़ना, धोखा देने के लिए नहीं छोड़ना लोगों को। होगी बात या भी? अरे नेमत के माने क्या है? होगी बात नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ तुमसे, नेमत के माने क्या है? नेमत से क्या मुराद है बताता हूँ। नेमत से मुराद क्या है? कुरान किसको नेमत बोलता है? हो गई बात। अरे सवाल है मेरे भाई, सवाल कौन है भाई तू? कौन से कार्टून को पकड़ के लाया यार, जवाब ही नहीं देता। हो गई बात, हो गई बात, मैं तो बात ही नहीं कर रहा, सवाल करूं मैं भाई? सवाल कर रहा है ना, हो गया मुकम्मल सवाल।
हाँ तो सवाल कर रहा हूँ बस खत्म, यही सवाल था मेरा, नेमत किसे कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, पहले अल्लाह का तो ले ले, इस्लाम का तो ले ले। देख भाई तूने नेमत से मुराद क्या है भाई, बाकी छोड़ गया सारे सवाल। अरे छोड़ मेरे भाई, तेरे से बस की बात नहीं है, वो मैं देख लिया तेरा। जवाब तो ले लो यूबी, ये गलत तरीका है ना, सवाल करे हो तो जवाब। अरे साहिल तुम थोड़ा बैठो, तुमको जो ना ये बेवकूफ बना सकता है लेकिन मेरे को नहीं, ठीक है बोलिए। हाँ तो सवाल का जवाब ले लो, चलो। अच्छा नेमत के माने, नेमत किसे कहता है कुरान, चलो। अब पिछले सवाल नल एंड वाइड हो गए ना, ठीक है तुम्हारे लिए खत्म। तो बेवकूफी में किए थे ना, बेवकूफी में किए थे ना। अरे ये सवाल का जवाब कुरान किसको नेमत कहता है, जवाब चाहिए मुझे। वो मैं बताऊंगा ना, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ बाद में, पिछले तुमको तो पता ही नहीं है। ओहो छोड़ो ना, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये किससे दावा वाला मेरे को, ये हदीसों से वो या अबू दाऊद तिर्मिजी ने, एक सवाल में खड़ा हूं। नेमत कुरान किसे कहता है, नेमत वो बोलिए। वो मैं बताता हूँ, पहले वो इस अल्लाह का अलिफ अल्लाह खत्म हो गया, अलफ इस्लाम खत्म हो गया। अरे वो छोड़ो मेरे भाई, वो छोड़ो, नेमत किसे कहते हैं, कैसा बंदा है। अरे ये कैसा बंदा है, सवाल का जवाब ही नहीं देता। वो खुद लेगा नहीं तू सवाल का जवाब, क्यों नहीं ले रहा। अरे मेरे भाई कितने साल इस्लाम और कुरान पढ़ा है, मुझे कम से कम बता दो सही। मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा, बस खत्म। ये बता, यही तो है, यही तो है, तुम मुर्जिया हो, तुम जमिया। अरे नेमत के माने क्या है, कुरान किसे कहता है, नेमत किसे कहता है कुरान। देख अलफ अल्लाह, अलफ इस्लाम और सिराते मुस्तकीम। छोड़ो मेरे भाई, तुम्हारे लेवल की बात नहीं, हो गए ना साहिल, तुमने देख लिया ना, ये जीरो है, अंडा है, ये चूजा है, चिक पे चला गया, चिक फ्रॉम द नेस्ट। ठहर तो सही, चूजा है, चूजा बच्चा ये, अल्लाह का। अच्छा अब्शाद भाई एक सेकंड रुकिएगा यार, यूबी अभी तक तूने अंडा तो कुरान में दिखाया नहीं, तूने अंडा दोबारा बोल दिया। अरे छोड़ यार, वो तो मैंने आज दिखा दिया नहीं, नहीं आती तेरे को इससे बात। और अंडा तो तूने आज दिखाया नहीं कुरान में मेरे भाई। अरे भाई अरे यूबी, औरत का अंडा तूने आज तक दिखाया नहीं, तू अंडे तक जा क्यों रहा है। अच्छा अब अगर तू सवाल कर रहा था जवाब तो ले ले, मैंने बशारत को इसलिए तेरे पर छोड़ा था, ट्रेन करा रहा हूँ तेरे साथ, तेरे से बहुत डंगर है, ये ट्रेनिंग हो रही है बशारत भाई की, कंटिन्यू कर बशारत भाई, ले दबा के इनकी ये। लेकिन अंडा इन्होंने आज तक कुरान में नहीं दिखाया कि अल्लाह कुरान में औरत के पानी की बात करता है लेकिन अंडे की बात नहीं करता। वापस ले इनको, हो गई बात। अच्छा चल, नेमत के माने किया है भाई, मैं तेरे सारे सवालों का जवाब देगा, तू कहता ना पहले इस सवाल का जवाब दे, इसको पता नहीं, इस सवाल का जवाब दे, इस सवाल का जवाब दे, नेमत कुरान किसको नेमत कहता है, वो सवाल किस लिए किए थे, बोलो कुरान किसको नेमत कहता है, अगर चाहे तो गूगल भी कर ले, गूगल भी कर ले भाई, गूगल को छोड़, गोली मार तू, जवाब नहीं है तेरे पास, जवाब ही नहीं है, सुनता क्यों नहीं है, जवाब नहीं है, नहीं जवाब ही नहीं है तेरे पास, क्यों नहीं सुन रहा फिर, खाली एक लफ्ज का, एक हुर्फ का जवाब है, कह देना क्या कुरान किसको नेमत कहता है। अच्छा सुनो, पहले इसने बोला अल्लाह का, तो सुनो भाई अल्लाह, नहीं 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 नहीं, अल्लाह जो है इतना तेरा तेरा लेवल चेक करने के लिए पूछा था मैं भाई, ठहर जाना, लेवल तो फौरन पता चल गया फिर तुझे, मैं तेरा लेवल चेक करा मेरे, ओ ठहर, मैं तेरा लेवल तुझे दिखाएगा ना, तुम्हारे अल्लाह का लेवल। अरे नेमत किसको कहता है, कुरान किसको नेमत कहता है, नेमत भाई वो भी बताता है, इसराइल अذكروا نعمتي التي कहता है नेमत, वो छोड़ दो, बताता हूँ कि नेमत क्या है, पहले अल्लाह की सुन ले, अनअमत अलैहिम किसको कहता है, यार मैं बताता हूँ क्या किसको कहता है, पहले एक बात ऐसे भागने नहीं दूंगा, नेमत अल्लाह ही भाई, जो मर्जी कहता रहे, पहले अल्लाह अल्लाह का तुझे दिखाऊंगा, नहीं नहीं तेरा लेवल नहीं है, वो उसका जवाब नहीं दे सकता, तू नेमत किसे कहता है, कुरान किसको नेमत कहता है, नेमत क्या, एक घंटे तक भी मैं ऐसे सवाल करूंगा ना तू जवाब नहीं दे सकता भाई, तो ऐसे तो वाकई में नहीं दे सकूंगा, क्योंकि तू बोलता जाएगा, नहीं तेरा लेवल ही नहीं है, तेरा नहीं है मेरा लेवल, सही बात कर रहा है। अल्लाह के हालात तो सुन ले, अल्लाह के हालात तो सुन ले, नेमत किसे कहते हैं, नेमत भी वो ऐसे ही देता है, दूसरी बात नहीं करूंगा, हाँ जब तक तू अल्लाह का जवाब नहीं लेगा मैं तुझे नेमत पे जवाब नहीं दूंगा। डन, मैं बशारत भाई आपके टॉपिक की बात में चलते हैं, नेमत
अल्लाह के कुरान से साबित कर दीजिए। बीच में मत पड़ यार, अल्लाह के कुरान से नेमत क्या साबित करवा लो इसे। वो मैं इसे कर लेता हूँ। हाँ भाई बोल। नेमत किसे कहते हैं? अल्लाह किधर गया तेरा इस्लाम और अल्लाह बढ़ गए? अरे वो बाद में आएगा। अरे पहले नेमत किसे कहते हैं? ये तो शुरुआत है ना तेरी। तेरी लंबी क्लास लूंगा रे भाई। ओ भाई मैं भी इधर डर मत। मैं नहीं डर रहा। मैं क्यों डरूंगा? तू या तो बोल ना, इधर सबके सामने बोल। हो गया है जवाब नहीं देना। तेरा खौफ है, तुझ पर तारी है। हाँ बहुत मैं कांप रहा हूँ। अल्लाह के बंदों को वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। भाई अल्लाह का बंदा कौन ना? कौन अल्लाह का भाई? तू जो ना जवाब दे दे बस खत्म। तू ये बता ना, सवाल आया अल्लाह के बंदों को खौफ नहीं है ना? एक्सपर्ट अगर है तू तो जवाब। अल्लाह के बंदों को खौफ नहीं है ना? अल्लाह का सबसे बेहतरीन बंदा कौन है? इधर उधर मत डाल, टॉपिक मत चेंज कर। यार तूने चेंज किया, किसने चेंज किया? किसने चेंज? मैं पकड़ लिया तेरी दुखती रख, पकड़ लिया मैं। नेमत किसे कहते हैं? ओ भाई अल्लाह से क्यों भाग रहा है? उसको पकड़ा मैं। अल्लाह से क्यों भाग रहा है? अल्लाह तेरी दुखती रख, दुखती रख है ये। अल्लाह तेरी दुखती रख है। नेमत के माने नहीं मालूम तेरे को, और तू नेमत की माने नहीं मालूम, तू आ गया। अल्लाह तेरी दुखती रख बन के किसको धोखा दे? अल्लाह तेरी दुखती रख है। युखादिउन अल्लाह वल्लजीन आमनू वमा यखदउन इल्ला अनफुसहुम। अच्छा फिर क्या हुआ? मंजल्लादी। अरे समझ ले तू तो मंजल्लादी। मैं मीनिंग बताने की क्या जरूरत है? तू खुद समझ। भाई मैंने कोई मीनिंग बताया? युखादिउन अल्लाह वल्लजीन आमनू वमा यखदउन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। मैं तुझे क्या बता रहा हूं? नेमत किसे कहते हैं? अल्लाह अल्लाह से शुरू हुआ। अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ने लोगों को गुमराह किया। क्यों करता है अल्लाह? ये जवाब नहीं दे सक रहा। बहुत फड़फड़ा रहा है, बहुत फड़फड़ा रहा है। वो नहीं फड़फड़ाएगा उसे, वो बहुत फड़फड़ा रहा है तुम जैसे लोगों के। ये जवाब दे दे ठाकुर। बोल फिर। अल्लाह अल्लाह पे नहीं आएगा जवाब? अल्लाह का बोल देना, तू बोल दे, मैं उस पे नेमत पे जवाब दे दे ठाकुर। जब तुम अल्लाह का और इस हाँ बोल भाई ठाकुर बोल। अल्लाह अल्लाह को छोड़ता है? क्या है जवाब? अल्लाह अल्लाह को छोड़ता है तो खुश हुआ, सब अल्लाह को छोड़ता है तो फिर मैं इस्लाम पे आता हूं। नेमत के माने बोल। अल्लाह को छोड़ता है तो फिर मैं इस्लाम पे आता हूं। खुश होगा? अल्लाह को छोड़ दे मैं इस्लाम पे आ जाता हूं। शाबाश इस्लाम देगा। यार अपनी बात से क्यों भाग रहा तू? अल्लाह अल्लाह ऐसे काम करता है? माने चाहिए मुझे तेरी दुखती रख पकड़ लिया मैं, खत्म। यही से यहां से तू हटने सकेगा? एक एमएम नहीं हट सकेगा। मैं अल्लाह से नहीं हटूंगा। तेरी पूरी एक्सपर्टीज पानी में गई, पानी बनने चली गई, खत्म। मेरी पानी में नहीं भरेगी जब तक अल्लाह का मैं गया, मैं छोड़ूंगा नहीं। आज की तारीख से गया, अल्लाह को नहीं गया, किसी काम का नहीं रहा तू, कहीं नहीं जाएगा। नंबर वन का जाहिल इस्लाम छोड़ दिया। अल्लाह से भी बड़ा जाहिल हूँ मैं। नेमत के माने नहीं मालूम? बड़ा जाहिल हूँ। अरे वो आएगा, वो लेसन नंबर टू। ना 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 ना, लेसन नंबर थ्री है, लेसन नंबर फोर है। फर्स्ट लेसन नंबर वन नेमत क्या? पहली पहला सवाल अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम उधर ही रोकूंगा, वहां पे बाद में जाऊंगा। जवाब नहीं दे सकेगा? पहले सिराते मुस्तकीम आएगा, फिर सिराते मुस्तकीम तो बाद में आएगा, सिराते मुस्तकीम आएगा पहले नेमत। हाँ उसके बाद थर्ड। आवाज नहीं आ रही इसकी। एडन साहब अरे थोड़ा रुक, यूबी थोड़ा रुक जाओ। आवाज नहीं आ। एडम साहब एक यूबी कम था जो सफी चीज छोड़ दिया। अरे यूबी रुको ना यार। नहीं नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही। हां किधर गया? है वेब देता हूँ आपके हवाले करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक यूबी कम था बैक स्टेज में शफी चीचा भी ना कर, शफी भी आया हुआ है। चाचा शफी आज पूरा टेस्ट करने वाला है लगता है। वो तो बगैर थे, पूरा बगैर तो का बगैर थे वो। नहीं वो मेरी उसके साथ अच्छी बात हुई है दो दफा। वो मुझसे गया आयत लेके गया हुआ है। नहीं नहीं वो तो इंतहाई बगैर तो का बगैर थे सर। मैं आपको बताऊं बिशारत भाई, उसके साथ एक डिबेट हुई थी मेरी, मैंने अच्छा। दिखाई थी साहिल विशाल भाई, वो आपके दोस्त हैं इस्लामिक इंजीनियर भाई। जी जी। उनके चैनल पर उन्होंने माँ बहन की जितनी गालियां चलाई बोलना शुरू की थी नॉन स्टॉप, माँ बहन की प्राइवेट पार्ट्स वाली। सर वो कितने से अच्छा इंसान हो गया शफी।
सर आपको पता नहीं है उसका? मेरे साथ ना वो उसने नहीं ऐसी कोई बात की और मुझे कहा कि अच्छा मैं तहकीक करके आता हूँ, आयत लेके गया वापस। सर बहुत बड़ा बगैरत और झूठा और कुत्ता इंसान है वो, और वो अच्छा, वो नहीं होगा। जब वो आएगा तो आपको पता लगेगा असल में वो कौन सा। मेरे पास उसकी तस्वीर भी है उसकी, वो लाल दाढ़ी। सर मेरे चैनल पे उसकी दो डिबेट्स पड़ी हैं, बगैर नहीं खाओ आप यूबी से कर लें। साहिल भाई ने बता दिया एक और आया, आप यूबी से कर लें, उसके बाद वो भी भेज देते हैं आपको। सर देखो यूबी चौथे सवाल पे चला गया। अल्लाह क्या है ना, क्या आज 15-20 घंटे की स्ट्रीम करवाने का इरादा है तेरा साहिल? अगर तू बहुत ज्यादा थक गया, अगर तू बहुत ज्यादा थक गया बता, मैं अपनी खोल लेता हूँ। लेकिन मैं आज शारद की यूबी से बात कराएगा। अगर तुझे अपनी स्ट्रीम बंद कर दिया तू बोल दे, मैं अपनी खोल लेता हूँ। नहीं तू सोने चला जा, तू सोने चला जा, एंड स्ट्रीम में खुद ही कर लूंगा, मैं खुद ही एंड स्ट्रीम कर लूंगा, टेंशन ना लेती है, सोना तो सो जा। आज यूबी से बशारत की लड़ाई हो के रहेगी। चलो मैं नहीं लड़ूंगा, कब तक मैं झेल सकता हूँ मैं झेलूंगा, उसके बाद मैं चुपचाप जाके सोना, तू सो जा, आज यूबी और बशारत की लड़ाई हो के रहेगी साहिल। नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, चलो चलो लगाओ लगाओ, चलो मैं सुन रहा हूँ, चलो लोग बैक स्टेज रह जाओ भाई, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसके सारा मत बनो। यूबी अल्लाह को छोड़ दिया तूने, इस्लाम को भी छोड़ दिया, सिराते मुस्तकीम भी, और नेमत के बारे में बोल रहे भाई, क्या सीरियस बादशाह खुश होगा, सवासी देगा, बोल बोल ना, हां बोल। नेमत किसे कहते हैं कुरान? नेमत किसको नेमत कहता है कुरान? अल्लाह, इस्लाम, सिराते मुस्तकीम, चौथे नंबर पे नेमत, पहले अल्लाह पे। ये आदम को पूछ ले कि अल्लाह के बारे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की मीनिंग कितने बार में बताया उसको, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अभी नई बात है, नया सवाल है। किसके मीनिंग बताया? एक मिनट, किसके माना बताया तूने? अरे छोड़ छोड़, नेमत के बारे में नेमत किसे कहते हैं? बोल यार, तू डर जाता है, दर्शन छोटे बात करके, नाम तेरे बहुत बड़े हो गए, छोड़ क्यों देता बात करके? 9 घंटे की जो ना स्ट्रीम कराया, नाम पड़े अब एक जवाब दे सकता तेरे दर्शन पूरे छोटे के छोटे हो गए। अभी तूने बोला, तूने एडम को ला इलाहा इल्लल्लाह, हम किसी से कम नहीं, ऐसी बात कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तूने माना बताए हैं, ठीक है ना? ये अब तू 5वीं बात पे चला गया। हम प्रैक्टिकल, अल्लाह भी है, हम ऐसे सुना सुनी बातों पे यकीन कर, हम प्रैक्टिकल तहकीक करके वेरीफाई करके बात करते हैं। पक्की बात है, किसे कहते हैं? पक्की बात है, तहकीक करते हैं, पक्की बात है। या बनी इसराइल अदखुलू निअमती अल्लती, नेमत किसे कहते हैं? छोड़ उस बात, तू तहकीक करते हैं, किसे कहते हैं नेमत? पक्की बात है, सूरह फातिहा में नारे भाई, पक्की बात है, सूरह फातिहा में फर्स्ट चैप्टर, पक्की बात है या नहीं? फर्स्ट चैप्टर में नेमत, अपनी बात से भाग जाता है, अपनी बात से भागता है। अरे मैं कहां भाग रहा हूं, मैं वो सवाल पे टिका हुआ हूं। तू एक एमएम तू भाग रहा सवाल है, वो चौथा सवाल है, चौथा सवाल यही तो तेरी खराबी, तू खयामत तक क्या थी, मौत तक भी जवाब नहीं दे सकता तू। मैं कह रहा हूँ तहकीक करता है या नहीं करता, अभी तूने बोला कि मैं करता हूँ। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना, पहले तू नेमत के बारे में बता, बाद में आगे बढ़े। मैंने भी बेटा तेरी कोई बात नहीं सुननी, पहले अल्लाह का बताऊंगा, इस्लाम का मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है, फिर नेमत का जाना ही नहीं भाई, मैं सिर्फ मान के चल रहा है, अभी अल्लाह का जाना ही नहीं, ठीक है बताता हूँ। तू इस्लाम में कुरान में कभी तेरा भागना बता रहा है, तेरा भागना बता रहा है, तीन सवाल छोड़ के भाग रहा तू, और सवाल ही तो छोड़ा ना, तू जवाब किया क्यों था? अरे तू जवाब छोड़ रहा ना, वापस ले ले सवाल, वापस ले सबके सामने बोलो गलती। नहीं नहीं नहीं, तेरी दुखती रख नेमत के माने में, बस फिर अब सुन, फिर सुन, अल्लाह से शुरू करता हूँ, चल बोल। तूने कहा बोल अल्लाह बोला है बोल, लेकिन नेमत के माने में बोलना जरूरी है तेरे। तो भाई छोड़, तू उसको छोड़, अभी नेमत चौथे नंबर पे, अभी अल्लाह का तो सुन, तूने बोला नहीं, वो मेरे को नेगेटिव आंसर्स नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है आंसर ले, कैसा मोमन है, कैसा मोमन है, अपनी जुबान से फिर गया, अल्लाह के ड्रामे कर रहा, अल्लाह की तरह क्यों मकर कर रहा है? In what sense? साहिल, कुरान साहिल अल्लाह की तरह मकर क्यों कर रहा है? Word नेमत is using. साहिल, अल्लाह की तरह मकर क्यों कर रहा है? कुरान इस सेंस में नेमत का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, मकर नहीं खता क्यों कर रहा है? साहिल 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 साहिल, ये स्क्रीन याद आई, जो स्क्रीन पे सुकत है ये याद आई, आज से 3 साल पहले तकरीबन 3 साल पहले, ये जवाब नहीं है साहिल, ये यूनिवर्सल ब्यूटी की वीडियो है, ये पुरानी यूनिवर्सल ब्यूटी की वीडियो है, ये वो वाली है ना, अंडे वाली? नहीं 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 नहीं, ये यूनिवर्सल ब्यूटी की वीडियो है, कलमे के ऊपर, कलमे का मतलब क्या याद आई ये वीडियो? हाँ, यस यस यस, ये वीडियो
मैं अभी इस वीडियो को प्ले करता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये वीडियो पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी गई है, तुम्हें पता सर? हाँ उसकी तरफ मतलब कोई इला नहीं है, कोई नहीं है जिसकी तरफ तुम अपने अमन, अपने सलामती या अपनी हयात के लिए रुजू करो, सिवाय अल इला, वो खास डेफिनेट इला, खास की तरफ जो यूनिवर्सल ऑर्डर का मालिक है, यूनिवर्सल ऑर्डर और उसकी विजडम का मालिक। तो अब मुझे बताइए, जो खुदा का दावा करता है दुनिया में, क्या वो कायनात यूनिवर्स का मालिक है या यूनिवर्स को क्रिएट करने का विजडम जानता है? दिस इज द क्राइटेरिया टू जज के दावा करने वाला खुदाई का वो खुदा है या नहीं है। ये क्राइटेरिया है कि वो कायनात का मालिक होना चाहिए और नथिंग नॉट ओनली मालिक होना चाहिए बल्कि क्रिएशन। तो ये मीनिंग है क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है, ये माने है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो विजडम लेकर आए, ठीक है। लेकिन सर अगर आप इजाजत दें और तमाम ऑडियंस भी इजाजत दें, मैं यूनिवर्सल ब्यूटी साहब से समझना चाहूंगा, कलमे की जो ट्रांसलेशन इतनी लंबी सी बताई थी वो दोबारा से अगर आप माइंड ना करें, क्या ट्रांसलेशन दी थी आपने? Except. Okay. अब अल्लाह की ट्रांसलेशन तो अल्लाह ही है। खास इला, definite. खास इला. Okay. So it is खास की तरफ. खास इला. खास की तरफ. Special. खास की तरफ. मैंने खास की तरफ. अच्छा खास, खास की तरफ. Special. Covered. की तरफ. Special one. Okay. Special one. अच्छा जी. आगे से second part में मोहम्मद तो मोहम्मद ही रहा कि कुछ और हो गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खास की तरफ से वो विजडम लेकर आए हैं। अच्छा ये विजडम कहां पे है? नहीं नहीं, विजडम कहां पे है? किस तरह से? इट इज अंडरस्टूड बाबा। नहीं नहीं, इसे वर्ड बाय वर्ड देख रहे ना। अच्छा कुरान में लगानी है। अच्छा पैकेट लगा, कुरान उसी का। अच्छा पैकेट में क्या लिखा है? पैकेट में क्या लिखना है? नहीं है कोई जिसकी तरफ तुम रुजू करो, खास की तरफ। तो सर ब्रैकेट में, ब्रैकेट में जो यूनिवर्सल ऑर्डर का मालिक है और विजडम का मालिक है, ओनर ऑफ यूनिवर्सल विजडम एंड विजडम, विजडम एंड ऑर्डर। ओके, ये ब्रैकेट में आ गया। अब मोहम्मद की जगह मोहम्मद ही आ गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो विजडम को लाने वाले हैं बस। अच्छा, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमने बीच में डालना है। ओके जी, ये हमने ब्रैकेट डाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके ओके, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा रसूल का क्या लगाना है? रसूल मैसेंजर, मैसेंजर मैसेंजर मैसेंजर। ओके जी, मैसेंजर। ओके, और अल्लाह, अब ये वाला अल्लाह क्या बनेगा? उस खास की तरफ से मैसेंजर। अच्छा, इस अल्लाह का मतलब है मैसेंजर फ्रॉम दैट स्पेशल वन, स्पेशल वन। ओके, सो ये फ्रॉम दैट स्पेशल वन, ये लाइन लगा दें बीच में। अच्छा भाई, ये जो आपने इतनी अच्छी ट्रांसलेशन हमें बताई, वाह सर, मैं आपके साथ हूँ, मैं बड़ा ममनून और मशहूर हूँ। ऐसी ट्रांसलेशन मैंने आज से पहले जिंदगी में कभी नहीं सुनी, नहीं देखी। अच्छा, तो शुक्रिया, आपने एक्सप्लेन किया इस बात। अच्छा, हेलो जी, खत्म हो गई है, बाकी दो मिनट, एक मिनट की रह गई है। ये देखिए, इसका मतलब है कलमे का मतलब क्या, कलमे का मतलब क्या है, ये इस वीडियो का टाइटल है। कलमे का नया मतलब बताया था यूबी ने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
سر دیکھیں کلمے کا یو بی نے اتنا اچھا مطلب بتایا تھا کہ پاکستان گورنمنٹ نے یہ جو ویڈیو ہے 8 منٹ کی وہ میری بین کر دی. یہ لیں ایڈم سیکر اردو, وی ہیو ریسیوڈ اے لیگل کمپلینٹ فرام دا گورنمنٹ اینٹیٹی آف گورنمنٹ اینٹیٹی, ٹھیک ہے, فرام دا گورنمنٹ اینٹیٹی ریگارڈنگ یور کانٹینٹ آفٹر ریویوئنگ دا فالوئنگ کانٹینٹ ہیڈ بین بلاکڈ. کلمے کا مطلب کیا, یہ 8 منٹ کی ویڈیو از بلاکڈ آن دا یوٹیوب ان پاکستان. اتنا زبردست مطلب بتایا بھائی نے کہ یہ ویڈیو پاکستان میں بلاک ہو گئی. سر بشارت بھائی ہم نے یہ بندہ آپ کے اوپر چھوڑا تھا جو بڑا صحیح ڈھونڈ کے چھوڑا بھائی, جو ایسے زبردست ایکسپلینیشن کرتا ہے. میں تو ایڈم بھائی جو مرضی ایکسپلین کرے نا, میں تو اس کے پہلے سوال پہ رکا ہوں. سر میں تو آپ سے کہہ رہا تھا جواب دے گا تو آگے جاؤ. میں نے آپ کو ہنٹ بھی دیا تھا کہ بھائی جان اسے پوچھو نعمت کا مطلب کیا قرآن میں. میں تو آپ کو ہنٹ دیا تھا, میں آ کے بولا تھا. میں نے پوچھنا ہی نہیں اس کے مطلب. ارے نہیں بھائی کیوں نہیں پوچھنا, آپ پوچھو بھائی اس سے سب کچھ صرف لو لے کے ایڈیٹنگ کر کے اپنے چینل پہ چلا دو, پاکستان بھی بلاک کر دے گا اس کو. آپ چاہتے ہو میرا چینل ہی بلاک ہو جائے؟ سر آپ کی ویڈیو تو ایٹ لیسٹ بلاک ہو جائے گی پاکستان میں. یہ وہ بندہ تھا جو آپ کے اوپر چھوڑا تھا ہم نے, آپ نے اس کا پورا پورا فائدہ اٹھایا. کلمہ مان گیا تھا پورے کا پورا ہی. سر یہ کلمہ اس نے دیا تھا نا, یہ کلمہ دے کے وہ کلمہ پاکستان میں بلاک ہو گیا, یو بی واپس آیا. ابھی تیرا کلمے کا مطلب اتنا بتایا تھا پاکستان میں, بلاک کر دیا یار. یہ ان کو سمجھ نہیں آیا اس لیے بلاک کر دیا. پورے پاکستانیوں کے سالوں کو سمجھ نہیں آیا, سمجھ میں نہیں آیا اس لیے بلاک کر دیا. پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آیا. اچھا یہ شرمندہ نہیں ہوتا ہے نا, کہہ رہے تھے شرمندہ ہونا کیوں رہے, شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. میں بہت اچھا ہوں, میں تیرے ساتھ چلوں گا. نعمت کا مطلب کیا قرآن سے ثابت کر دے. وہی تو پوچھ رہا ہوں اس کو, نہیں پتا نا ہمیں, تو قرآن سے ثابت کر. اتنا چھاٹ رہا جب سے عربی میں, وہ یار میرے بھائی تو قرآن سے ثابت کر دینا یار. میں تو چاہتا ہوں اسی طرح میں تیری کٹنگ کر کے لگاؤں گا اپنے چینل پہ دوبارہ سے, جس طرح کلمے والی ویڈیو لگائی تھی میں اس طرح نعمت والی ویڈیو بھی لگاؤں گا اور پاکستان گورنمنٹ سے بلاک کراؤں گا. تو نعمت کی ٹرانسلیشن پڑھ کے تیرے لیے دیکھ دوبارہ پینٹ برش کھل گیا, یہ آ گیا پینٹ برش. میری جان تو بتائے گا, یہ دیکھ تو بتائے گا یہ دیکھ نعمت, ٹھیک ہے, ان قرآن پورے خالی ہاتھ آ گئے, پورے جو میرے لیے کھولا یار. تم لوگ یار بتا نا میری جان, تیرے لیے کھولا میں نے پینٹ برش. نعمت بتا قرآن میں, کتنا مزہ آ رہا مجھے. ہاں ہاں بھائی میں کہتا ہوں بھائی تو ہی بتائے گا, بتا دے. نالج ہے تم لوگوں کی. اتنا سمپل سا سوال اینڈ سمپل سا آنسر بتا دے اور تم آنسر دے نہیں پا رہے. تمہاری بے بسی دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی یار. اللہ سے تو یہ ایسا بھاگا. اب تو ایسا کر کہ تو اب بہت خوش ہوا. اوکے خوش ہو گیا نا, چل اب ایکسپلین کر دے پلیز نعمت, تیری مہربانی. دیکھو پھگڑ یار کمال ہو گیا یار, تو ہنسے گا تو بتائے گا نہیں ہمیں. ایکسپلین کروں پہلے میرا جواب دے نا, غلط یا صحیح جو بھی ہے جواب دے دے, جیسے جو بن پڑتا نا وہ جواب دے دے. نعمت کا نعمت اللہ کی نعمت کا مطلب ہے اللہ کی کنڈ.
کو آپ بتا دیں اللہ کی نعمت کے مطلب ہے؟ یہ بلاسفیمی، یہی بلاسفیمی کر سکتا ہے، میں سے تو پوچھ رہا ہوں تو اس سے کہ تو بتا دے، یہی تو بلاسفیمی سے تو جو نا انبھکتوں میں بادشاہ بنا ہے، بھائی تجھ سے پوچھ رہا ہوں نا تو بتا دے، ارے میں تو جس سے سوال کیا میں بتاؤں گا تو یہ اس کا کیا پھر بھائی تو بتا دے نا، یہ تو کٹورا لے کے آیا، خالی کٹورا لے کے آیا، بھائی میں خالی کٹورا لے کے آیا تو بتا دے، ارے میں بتاؤں گا، میں اس سے کوشچن پوچھا نا، تھوڑی دیر ٹھہر جا، بھائی میں کہہ رہا ہوں تو بتا دے، دنیا میں کسی کو نہیں پتا نعمت کا مطلب قرآن میں کیا ہے، یو بی دنیا میں کسی کو نہیں پتا نعمت کا مطلب کیا ہے، تو بتا دے، دنیا میں کیوں نہیں پتا، نہیں پتا، تو بتا دے، نہیں پتا، سب لوگوں کو پتا، ارے بہت سے لوگوں کو پتا ہے، اس کو نہیں معلوم، نہیں پتا، کسی بہنیا کو نہیں پتا، محمد کو بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ نہ تو محمد نے اپنی، یو بی محمد نے اپنی حدیث میں نہیں بتایا نعمت کا مطلب کیا ہے، قرآن میں اللہ نے نہیں بتایا نعمت کا مطلب کیا ہے، تو بتا دے، میں کلیم کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث دونوں میں نعمت کا مطلب نہیں پتا، نہ اللہ کو پتا تھا نہ محمد کو پتا تھا، میں اب تجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تو ہماری مدد کر، ہمیں نعمت کا مطلب بتا دے قرآن اور حدیث کی روح سے، یہ میری ریکویسٹ ہے تجھے، ٹھیک ہے، اب تو کچھ اور نہ بول، تو صرف نعمت کا مطلب بتا دے، میں ابھی اتنی آسانی سے نہیں بتاؤں گا نا، نہیں بتائے گا، پھر بلاک کر دوں، بلاک کر دوں، ہاں کر دو، کر، اوکے تھینک یو سو مچ، بلاک ہو گیا تو، یہ لے پکڑ، کوئی بات نہیں، بلاک ہو گیا، تھینک یو، بائے، اچھی مچھی کر دی، یار دیکھو یار بشارت بھائی، بات یہ ہے اگر ایڈم سیکر کوئی بات کرتا ہے نا تو اس کو پورا کرتا ہے، میں تو پہلے کہا تھا بھائی بتا دے، میں نے کہا نہ تیرے اللہ نے بتایا، لو جی چیلنج ہے تمام مسلمانوں کو، کتنے ہیں 1.8 بلین، مجھے قرآن اور حدیث سے نعمت کا مطلب بتا دو، کیونکہ یو بی نے تو نہیں بتایا، میں نے تو مانا میرے کو نہیں پتا، محمد کو نہیں پتا، اللہ کو نہیں پتا، تو بتا دے، اور میں کس طریقے سے کہوں، لائک اس سے زیادہ کوئی اور الفاظ ہیں کہنے کے لیے، نہیں ہے نا، میں نے کہہ دیے، نہ اللہ کو پتا ہے نہ محمد کو پتا ہے، تو بتا دے، اگر وہ نہیں بتانا چاہتا تو میں کیا کروں، میں اس سے اور کتنا ٹائم ویسٹ کروں، بائی دی وے تیمت لکھ دی ہوئی ہے میں نے نعمت کی بجائے، ہاں جی میں نے نوٹس کیا لیکن میں نے ٹوکا نہیں، اچھا بھائی یہ اتنا اگنورنٹ مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا اگنورنٹ ہے کہ اس نے سٹریم کے شروع میں بھائی نے سرٹیفکیٹس اور سب دکھایا ہے، اس کے باوجود بھی آ کے یوز لیس کوسچن کر رہا ہے کہ جیسے یہ امپوسٹر ہیں یا یہ نہیں جانتے، نہیں نہیں پاگل ہے، ہیلو گلوری سسٹر یہ پاگل ہے، تبھی تو چھوڑا تھا بشارت بھائی کے اوپر، اور کس لیے چھوڑا تھا، میں سیریسلی پاگل ہے، وہ ہوتا ہے جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں کتا چھوڑ دینا، میں نے کہا ذرا بشارت بھائی کے اوپر کتے چھوڑ دیں تھوڑے سے، پھر سلوٹ ہے بشارت بھائی کی صبر پہ، سیریسلی بہت صبر سے انہوں نے ڈیل کیا اسے، ہم نے اس کو بہت دفعہ جھیلا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بشارت بھائی کو آج فرسٹ ٹائم دکھا رہا ہوں، ہاں جی شکریہ، اچھا ہوگا میرا بھی تجربہ ہو گیا ایسے ان لوگوں سے، چلو ڈنگر تو دکھائے تھے آپ لوگوں نے، آپ کتے بلے بھی دکھا دیے، مجھے بھی بات یہ ہے کہ آپ ان سے لاجیکل بات کرنا چاہ رہے تھے اور میں یہی بتانا چاہ رہا تھا سر ان سے لاجیکل بات نہیں ہو سکتی، وہ جو کہہ رہا ہے اس کے اسی پوائنٹ پہ چلا جاؤ، اس کو یار تو سمجھا دے، میرے کو نہیں پتا، شاید بھائی آپ نے قرآن حفظ کیا ہوا یار، آپ حافظ ہیں، لائک نعمت کا مطلب اسے کون نہ بتائے قرآن سے اور حدیث سے، نہیں بتائے گا، اور جو بھی یہ بتائے گا سر وہ اتنی بڑی مونگی ہوگی، اتنی بڑی مونگی ہوگی جس کی داغ ہوئی، تبھی تو بول نہیں رہا تھا، اسے پتا ہے کہ اس کی بات لگ جانی ہے، تبھی تو بول نہیں رہا تھا، یہ کس فرقے سے ہے سر؟ یہ کسی بھی فرقے سے نہیں ہے، یہ نیا فرقہ ہے اس کا، فرقہ اہل الچوائس پلس پلس، ساحل بھائی نے اس فرقے کو نام دیا ہوا ہے اہل الچوائس پلس پلس، ساحل بھائی یہی دیا میں نے، یہ اہل الچوائس پلس پلس فرقے سے، چوائس کے اوپر اپنی مرضی کی جس حدیث کو چاہے گا یہ ایکسپٹ کرے گا، جو کلمے کا مطلب یہ بتا رہا ہے کہ پورے پاکستانیوں نے اس کلمے کے مطلب پہ بین ہی کر دی میری ویڈیو، اس کو آپ افیشلی بین کر دیا، اہل الچوائس پلس پلس پہ آئے، اچھا اور مزے کی بات ہے وہ آپ کی طرف سے آئی بھی نہیں ہے، وہ کوئی گیسٹ ہے آ کے ایکسپلین کر رہا ہے، مسلمان اور پاکستانی گورنمنٹ، ہیٹس آف ہے ان کو بھی، ہیٹس آف ہے ان کی عقل کو، سارکاسٹک میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی عقل کو بھی داد دینی چاہیے، ایسے انہوں نے کہا ایسے الو کے پٹھے نے کس نے
बताया ये स्टूपिड, मतलब इसको बैन करो यार, मेरी वीडियो ब्लॉक की जो मैंने कटिंग करके लगाई। एडम भाई इसका कसूर नहीं है। अब जब इस कुरान को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ना उलमा ने जब काम किया, छोटी मिसाल देता हूँ, जैसे इमाम राघव इस्फानी ने मफरूदातुल कुरान में कुरान का रूट मीनिंग बयान करने शुरू किए ना, तो अब उसने ये काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मसला ये है कि अब मुसलमानों के कायद किधर जाएंगे। तो फिर एक एक रूट मीनिंग के ना उसे कहना पड़ा, जैसे वो कह रही थी ना सिस्टर ग्लोरी, क्या नाम था उसका, उम्मे रबाब जी, भाई एक एक जो वाव है उसके तो 14 सीगे बने ना, जिस तरह वो दो कुरान नाम उसको दिखा रहे थे और वो पीट रही थी और गालियां दे रही थी, इतनी वो हो गई थी। लेकिन बिचारा भी मजा आया कि नहीं आया, आप ये बताएं सिर्फ। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया। ये ब्यूटी है साहिल भाई के चैनल की, यहाँ पे हमें डंगर भी मिलेंगे और अहले चॉइस प्लस प्लस भी मिलेंगे।